राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने महिला आरक्षण को लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है। आजादी के अमृतकाल में देश की आधी आबादी को उनका अधिकार देने के लिए छत्तीसगढ़ की बेटियों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून का स्वरूप मिला है। देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने आज उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब वो कानून का स्वरूप ले चुका है। आज प्रधानमंत्री जी के आगमन पर हम प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ की सभी बहनों और सभी बेटियों की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री आवास बनाकर, शौचालय बनाकर, आत्मसम्मान से जीने का अधिकार दिया, तो नेतृत्व करने के मौके के साथ साथ उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दी जनधन खाता खोलकर। आज प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आ पा रहे हैं। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने 33% आरक्षण के साथ विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को नया नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया।